खरगोन जिले के ग्राम ऊन सहित पूरे अंचल में दीपावली के अंतिम दिन परंपरागत पड़वा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान किसान परिवारों द्वारा परंपरा अनुसार गोबर के गोवर्धन बनाकर पशुधन की पूजा की गई। दीपावली पर्व पर अंतिम दिन निमाड़ में पशुधन पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन ग्रामीण इलाकों में किसानों द्वारा अपने पालतू पशुओं की पूजा की जाती है। इन्हीं परंपरा के अनुसार सोमवार को पूरे क्षेत्र में पड़वा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृतियां निर्मित कर उनके पूजन किए गए। मान्यता है कि दीपावली पर्व पर गोबर के गोवर्धन बनाकर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, किंतु समय के साथ शहरों एवं गांवों से यह परंपरा अब धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है, पर अभी भी कुछ ग्रामीण इलाकों में इस रिवाज की झलक देखने को मिल जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तथा आज भी श्री कृष्ण की स्मृति के रूप में गोवर्धन पर्वत को एकमात्र अवशेष माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते सदियों से गोबर के गोवर्धन बनाकर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। सोमवार को पूरे जिले भर में इन्हीं रिवाजों के तहत दिवाली पड़वा का उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में ऊन सहित छोटी ऊन, बनिहार, तलकपुरा, घोटिया एवं अन्य स्थानों पर पर्व की धूम रही। इस दौरान बनिहार तथा तालाब चौक ऊन एवं जमोठी में किसानों द्वारा अपने पशुओं को सजाकर ढोल ताशों के साथ आतिशबाजी भी की गई, तथा घरों में परंपरागत संजोरी गुंजिया के पकवान बनाए गए। कई गांव में सुबह पशुधन को सजाकर उनके पीछे पटाखे फोड़कर निमाड़ी ढोल दौड़ने के रिवाज संपन्न किए गए। गली मोहल्लों में पटाखों की गूंज के साथ दीपावली पर्व का समापन किया गया। खरगोन से दिनेश दसुंधी की रिपोर्ट। हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।